18 अगस्त को प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 80 केंद्र बनाए हैं। 18 अगस्त को ही उन छात्रों की परीक्षा भी होगी जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, और ऐसे में परीक्षा को लेकर बोर्ड ने क्या क्या तैयारियां की हैं, इस बारे में बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी, किस तरह से उनका आयोजन किया जाना है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, और ऐसे में जब क्योंकि COVID-19 के मामले एक बार फिर से शुरू हो चले हैं, तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड की किस तरह की तैयारियां हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही कि परीक्षाओं का 18 तारीख से आयोजन किया जाएगा, कितने विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे, कौन वो विद्यार्थी हैं, किस तरह की तैयारियां की गई है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पार्शियल इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट की परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षा 18 अगस्त को होगी, जिसमें लगभग 14,000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, और 19 तारीख से 3 तारीख तक JBT की परीक्षा होगी जिसमें लगभग 33,000 विद्यार्थी भाग लेंगे, और ऐसे 1,000 विद्यार्थी हैं जो उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट रही थी, या CTP के बच्चे थे या STC के विद्यार्थी थे, ओपन के जो विद्यार्थी थे उनकी परीक्षा ये संपन्न होगी। तो प्रत्येक जिला केंद्र पर ये परीक्षा संपन्न होगी। COVID-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्ष में हमने 18 विद्यार्थी बैठाने की व्यवस्था की है। सैनिटाइज करके आना है, पानी की बोतल अपनी स्वयं की लेके आनी है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करनी है, इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन उनके एडमिट कार्ड पर दी गई हैं। इंस्ट्रक्शन दिए गए, हिदायतें भी जारी की गई हैं। सर, विगत में जब परीक्षाएं हुई थी, हालांकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाएं ली थी, उस वक्त भी इस तरह की कायदगियां तय की गई थी और विद्यालय शिक्षा बोर्ड कामयाब भी हुआ था। हालांकि बाद में परीक्षाएं जो है वो रोकी भी गई थी, परीक्षा परिणाम भी जारी किया गया था। अरसे के बाद इस तरह की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हालांकि इससे पहले अभी विगत सप्ताह की अगर मैं बात करूं, HSSC के द्वारा एग्जाम लिया गया था, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ली गई थी। उस परीक्षा में और विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इन परीक्षाओं में क्या फर्क रहेगा, उससे किस तरह से डिफर, किस तरह से भिन्न ये परीक्षाएं होंगी? नहीं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने, जो मैंने पहले ही बताया कि COVID-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2020 में, जनवरी 2021 में बोर्ड ने परीक्षाएं आयोजित कराई थी, उसमें भी इसी प्रकार की हिदायतें विद्यार्थियों को दी गई थी और विद्यार्थियों ने हिदायतों का पालन करते हुए ये परीक्षाएं संपन्न कराई थी। परंतु कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनको ये ध्यान नहीं रहा कि हमारी कंपार्टमेंट की परीक्षा है और मार्च में वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। ऐसे लगभग 2,500 विद्यार्थी हैं, उनके भी हमने आवेदन एक स्पेशल छूट देते हुए स्वीकार कर लिए और वो विद्यार्थी भी 18 तारीख को ये परीक्षा देंगे। कुल कितने परीक्षा केंद्र पूरे सूबे में, पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं सर, जिनमें परीक्षार्थी जो है वो अपीयर होंगे? कुल मिलाकर के 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 34 परीक्षा केंद्र 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए बनाए गए हैं, शेष JBT की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। जितनी परीक्षाएं होंगी, जो एक दिवसीय परीक्षा है सर, उसके लिए 80 परीक्षा केंद्र होंगे पूरे प्रदेश? जो एक दिवसीय परीक्षा होगी उसके लिए पूरे प्रदेश भर में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और शेष JBT के विद्यार्थियों की बारी बारी से जो सब्जेक्ट उनके पास होता है उसके अनुसार 19 तारीख से 3 तारीख तक ये परीक्षा ली जाएगी। उसमें 1,000 के आसपास ऐसे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी भी हैं जो JBT वालों के साथ बैठकर ही परीक्षा देंगे। परसों ही बोर्ड में कुछ 30-35 विद्यार्थी आए थे जिनका ये कहना था कि हम परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सामूहिक प्रतिवेदन तो दिया लेकिन इंडिविजुअल रूप से अपनी एप्लीकेशन दिया। हमने कहा कि आप अपना देना चाहते हैं तो हम आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अपना आवेदन अभी दिया नहीं है, इसलिए उनकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उसके 4-5 दिन बाद देते हों तो हम दोबारा सितंबर उनके लिए परीक्षा आयोजित कर देंगे, उनके आवेदन तो आने दो। क्या बोर्ड फीस लेगा उनसे? नहीं, जब हमारी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो हम उनसे फीस नहीं लेंगे, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो फीस लगेगी। जाहिर तौर पर अगर वो अंक सुधार के लिए परीक्षा देते हैं तो बाकायदा फीस लगेगी, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो दोबारा से परीक्षा देते हैं और कम नंबर आते हैं या विद्यार्थी उस परीक्षा में फेल होते हैं तो रिजल्ट कौन सा स्टैंड करेगा? जी, परीक्षार्थी बिना फीस दे हुए हमारे परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसकी जो रिटर्न परीक्षा होगी उसमें जो जिससे अंक आएंगे जो फेल है तो फेल माना जाएगा और पास है तो पास माना जाएगा। परंतु यदि वो इम्प्रूवमेंट की परीक्षा देते हैं बोर्ड की फीस भर के, तो उसमें उनका जो रिजल्ट सही है पास वाला रिजल्ट ही मान्य होगा। कि जो परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं थे उनको ऑप्शन दिया गया था विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, और उसके मुताबिक ऐसा कोई प्रतिवेदन, ऐसा कोई आवेदन नहीं आया था, उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है कि वो ऐसे विद्यार्थी 10वीं 12वीं के जो रेगुलर विद्यार्थी थे जो परीक्षा देना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं।
जो संतुष्ट नहीं है, हालांकि जो परीक्षा परिणाम आएगा वही मान्य किया जाएगा और उनके लिए परीक्षा का आयोजन सितंबर के महीने में किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।